देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर लालकुआ से है। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा आज हरियाणा की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान किसान महासभा के नेता कैलाश पांडे ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से ही किसान विरोधी नीतियों को अपनाया है। मोदी सरकार कोरोना आपदा के अवसर के रूप में इस्तेमाल मजदूर किसान विरोधी नीतियों को लागू करने, सार्वजनिक क्षेत्र का बेतहाशा निजीकरण करने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी छात्रों का दमन करने में कर रही है। बार बार अपने को किसान हितेशी बताने वाले मोदी लगातार किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार के लिए किसानों का नहीं बल्कि अपने चहेते पूंजीपतियों का हित सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। किस विषय पर की आपने? देखिए, किसानों की मांग है कि जो 3 अध्यादेश भारत सरकार ने लाए हैं, एक तो है वस्तु सेवा संशोधन अधिनियम और जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनको सीधे सीधे पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए जो 3 अधिनियम लेके आई है सरकार, उस सरकार को इस बात के लिए बाध्य करने के लिए कि उनको वापस ले। हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे थे पर वहाँ की खट्टर सरकार ने बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया और आज पूरे देश में जो किसान संगठन हैं खट्टर सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार से इस बात की मांग को लेकर के कि किसान विरोधी 3 अध्यादेश वापस लिए जाएं, इस मांग को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए हमने यहाँ खट्टर सरकार का पुतला फूंका है और मोदी सरकार से हमारी मांग है। और एक बात और भी इसमें है कि दरअसल ये सरकार किसानों की हितैषी बनने की जितनी भी कोशिश करती दिखाई दे, परंतु इसने अपने आने के बाद से किसान विरोधी नीतियाँ लगातार लागू की हैं और ये अगर 3 अध्यादेश पारित हो गए, ये अगर कानून बन गए तो न सिर्फ किसानों को बल्कि आम लोगों के लिए भी महंगाई, कालाबाजारी, जमाखोरी के लिए इतना सब दिक्कत पैदा हो जाएगी कि लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए तमाम किसान संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी मांग कर रही है कि उनको वापस लिया जाए।